हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, अमेरिका में कोरोना संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकियों की नौकरी बचाने के मद्देनजर ये कदम उठाया है। ट्रंप ने अमेरिका से बाहर के लोगों के आने पर अस्थायी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना को अदृश्य दुश्मन कहा है और सीधे सीधे अपने अमेरिकियों की नौकरी बचाने के लिए बाहरी व्यक्तियों के आने पर अस्थायी रोक लगा दी, यानी कि अब बाहर से आकर नौकरी करने वाले, अमेरिका में नौकरी करने वाले लोगों पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। बता दें आपको, इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को लेकर चिंतित है कि कोरोना काल ने करोड़ों नौकरियां वहां लोगों की ले ली है, जिसको लेकर कई लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, सरकार उनको पैसा भी दे रही है। कैसे अपने लोगों के लिए और नौकरी बचाई जाए, इस पर बड़ा कदम उठाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। हालांकि यहां पर बड़ा कदम राष्ट्रपति ट्रंप का वो होता कि किस तरीके से अमेरिका में कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, समय रहते कदम नहीं उठाए, अब नौकरी बचाते फिर।